What's up my YouTube family? Welcome back to my channel. I hope guys आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे फिट एंड हेल्दी रहने के लिए. सो जैसा आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में अपर बॉडी एक्सरसाइज किया था. हमारा ये आज फोर्थ डे इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग ने फर्स्ट डे आएंगे तो हम लोग कार्डियो करेंगे. सेकेंड डे जो मैंने अपर बॉडी का एक्सरसाइज बताया है वो करेंगे. अगर आपको पता नहीं अपर बॉडी के एक्सरसाइज के बारे में तो कोई बात नहीं, आप ऑब्वियसली नए होंगे इसलिए आपको नहीं पता है. तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा. अब चाहिए चेक करिए एंड देखिए एंड अपर बॉडी एक्सरसाइज करिए. तो फर्स्ट डे कार्डियो करेंगे हम लोग. आप ऑब्वियसली बिगनर है या फिर जिम ज्वाइन करने वाले हो या आप अभी अभी जिम ज्वाइन किए हो या फिर लॉकडाउन के बाद पहली बार आप जिम जा रहे हो, काफ़ी गैप हो चुका है, तो ये शेड्यूल फॉलो करेंगे. फर्स्ट डे कार्डियो, सेकेंड डे अपर बॉडी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वो. थर्ड डे अगेन कार्डियो, फोर्थ डे ये मैं जो आज लोअर बॉडी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो करेंगे. सो आज हम लोग ऑब्वियसली लोअर बॉडी एक्सरसाइज करना है, जिसे लेग्स बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों का फेवरेट एक्सरसाइज है. सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वेरिएशन. सो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप कर लेते हैं. जैसे हमने अपर बॉडी के टाइम पर अपर बॉडी का वार्म अप किया था, वैसे ही लोअर बॉडी में हम पहले लोअर बॉडी का वार्म अप कर ले. लाइक वार्म अप में सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी कर लेते हैं. ओके, मोबिलिटी इन द सेंस सारे एंकल हमारा रोटेशन कर लेते हैं 10 क्लॉक एंड 10 एंटी क्लॉक वाइज. ओके, फिर उसके बाद हमारा हिप्स लाइक दिस साइड वेज कर लेंगे, नीचे जमीन में टच नहीं करना है. ओके, आप जितना ऊपर तक लेके जा सकते हो ऐसे. सो लेफ्ट साइड से हुआ, उसके बाद फिर राइट साइड से भी आपको उसी तरह करना है ऐसे. ओके, सो लेफ्ट और राइट दोनों ही सारे जॉइंट्स फ्री कर लेना है. हमारे फ्री करना है इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमको इंजरी ना हो, इंजरी प्रिवेंटेड है. आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम इंजरी वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है. ओके, सो जॉइंट रोटेशन हो गया, मोबिलिटी हो गया, उसके बाद सेम थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोजिव कर लेते हैं. लाइक हाई नीज कर लेंगे हम, अराउंड 50 काउंट्स कर लेंगे. उसके बाद हाई नीज उठ होने के बाद जंपिंग लाइक दिस. ओके, सो वार्म अप ये हो गया वार्म अप हमारा. क्विकली मैंने बताया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आप लोग स्किप करते जाते हो ना इसके लिए. सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए देखिए बता दें. तो वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ब्लड फ्लो हो जाए, मसल्स एक्टिव हो जाए, ताकि पार्टिसिपेट अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सके ड्यूरिंग एक्सरसाइज. सो वार्म अप हो जाए, चलो फर्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करते. सो लोअर बॉडी काफ़ी फेवरेट एक्सरसाइज है मेरा और नेक्स्ट मुझे लगता है आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे लोअर बॉडी के. सो सबसे पहला हमारा जो वेरिएशन है वो स्क्वाट है, यूनिवर्सल. ओके, सो स्क्वाट करते सेम स्क्वाट के लिए जो हमारा स्टैंड है शोल्डर स्टैंड रखना होगा. जो शोल्डर से उसके सामने ऐसा हिप स्टैंड नहीं रखेंगे, शोल्डर स्टैंड इसे कहते हैं, और हिप्स के सामने रखे हैं जो इसे हिप स्टैंड होते हैं. तो हिप से थोड़ा सा वाइड अप रखोगे स्टैंड तो वो शोल्डर स्टैंड हो जाता है. शोल्डर स्टैंड रखना है एंड आपको ध्यान रखना है टो है थोड़ा आउटवर्ड रहे, ऐसे स्ट्रेट नहीं रखें, थोड़ा सा टो का फेस बाहर की तरफ खुला हुआ रखेंगे. एंड सिंपली आपको सिर्फ बैठना है ऐसे एंड उठना है, ज़्यादा कुछ बड़ा साइंस नहीं है कि स्क्वाट करने के लिए वो. तो बेसिकली आप अभी नए हो, ज़्यादा अच्छे से पता नहीं हो, तो सिंपल सी बात है, आप सिंपली ऐसा रखिए, शोल्डर स्टैंड रखिए एंड सिंपली ऐसा बैठ जाइए. चलेगा, थोड़ा नहीं आगे जाएगा, हिप्स का ये होगा वो होगा, चलेगा ठीक है. पहले स्टार्टिंग है आपका तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन आपको तो भी उसके बाद ठीक है, तो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आपकी नीज बहुत ज़्यादा आगे ना जाए और हिप्स को पीछे की तरफ पुश कर दो. लाइक स्टार्टिंग है तो आप नॉर्मल ऐसे बैठिए एंड उठना है, सिंपली बैठो एंड उठना है. लेकिन धीरे धीरे कैसा इसको इम्प्रूव करना है कि आपका नीज बहुत ज़्यादा आगे जैसा जा रहा है ऐसे नहीं, ओके, पूरा हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड कंट्रोल में बैठना है, राइट पैरेलल टू द ग्राउंड एंड राइट से. ओके, जब भी आप नीचे जा रहे हो ब्रीथ इन, ऊपर जाकर ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. जिन लोगों को भी यहाँ पे स्क्वाट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे हम सपोर्टेड भी कर सकते हैं करके, ठीक है. सपोर्टेड करने के लिए आप सिंपली किसी भी चीज पे यहाँ पे ऐसे सपोर्टेड यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं करके, यहाँ पे ऐसे आ जाइए, सिर्फ शोल्डर स्टैंड रखिए, होल्ड रखिए एंड सेम अगेन हिप्स को पीछे की तरफ पुश करके एंड ऐसे आइए. ओके, पहले तो ग्राउंड जाइए, ज़्यादा नीचे मत जाइए, तो हिप का फ्लेक्शन होगा तो फिर लोअर बैक पे आने के चांसेस होते हैं, तो वो नहीं चाहिए. स्क्वाट कर रहे मेनली हम क्वाड्रिसेप्स के लिए, ये वाले पार्ट के लिए हम स्क्वाट कर रहे हैं. तो कोशिश करना है कि हिप्स को पीछे का पुश करते हुए आराम से पहले तो ग्राउंड जाए एंड अप. ओके, लाइक दिस, गो डाउन एंड अप,
तो आप नीचे जाओ, ब्रेथ इन करते हुए जाइए एंड ऊपर आते हो ब्रेथ आउट। मेक श्योर कि जब आप ऊपर आ रहे हो या नीचे जा रहे हो तो आप लेग का के स्ट्रेंथ को यूज करें, ना कि हाथ को। ओके, हाथ से आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ नहीं लगाना है। ओके, ये जो देना करना है ये बैलेंस, मतलब अगर आपको जम रहा है स्क्वाट स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पे अगर सपोर्टेड आप इजिली कर सकते। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए तो आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो डन विथ स्क्वाट, चलते हैं हमारे सेकेंड वेरिएशन पे। सो डन विथ स्क्वाट, जो हमारा पहला वेरिएशन था वो स्क्वाट हम लोग ने किया। अब हम लोग लंजेस करेंगे, सेम लंजेस के लिए भी सेम स्टैंड रखेंगे। ओके, शोल्डर स्टैंड रखना है एंड यहाँ पे और इसके सामने लाइक यहाँ पे रखा है ना हम लोगों ने राइट का लेग, तो इसके सामने ऐसे ऐसे लेकर आएंगे। ओके, पीछे का तो ऐसा अप रखना है, आपको यहाँ पे आप रख सकते हो एंड सिंपली ऐसे स्ट्रेट नीचे की तरफ जाना। ओके, बॉडी को फॉरवर्ड ऐसे आगे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बस नी टो के काफ़ी आगे जाएगा तो नी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे स्ट्रेट है, सीधा सीधा आराम से नीचे की तरफ जाइए ऐसे। ओके, एंड आप ओके ब्रीथ आउट करेंगे ऊपर आके। मेक श्योर कि जब नीचे जाओ तो जो पीछे वाला लेग का जो नी है वो ऐसे ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा गैप होना चाहिए नी और ग्राउंड के बीच में। ओके, और उसके बाद ओके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऊपर आके ब्रीथ आउट करेंगे। ओके, तो ये लंजेस करेंगे। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन हम सपोर्टेड मूवमेंट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे ऐसा होल्ड करिए, अगेन सेम स्टैंड। ओके, सेम गैप, पीछे का टो अप, बॉडी स्ट्रेट, कोर स्ट्रॉन्ग, मेक श्योर कि आपका फोकस है मसल्स। ओके, सेम आप ऐसे स्लोली नीचे जाइए एंड अप। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मेक श्योर कि आपका नी आपके टो से काफ़ी ज़्यादा आगे ना जाए, वरना क्या होगा पूरा बॉडी का वेट पूरा नी के ऊपर ही आएगा, तो नी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपसे ये भी लंजेस नहीं हो पा रहे जिससे स्टैटिक लंजेस कहते हैं, तो आप ऐसा कोई बॉक्स ले सकते हैं एंड सिंपली स्टेप अप कर सकते हो लाइक दिस। ओके, ऐसे। ओके, तो ये भी सेम कर सकते हो जो इजी है। तो चलो डन विथ लंजेस, चलते हैं हमारे थर्ड वेरिएशन पे। सो गाइस, डन विथ स्क्वाट एंड लंजेस। ओके, ज़्यादा नहीं, 15-15 के टू सेट्स करेंगे, दैट्स इट। स्टार्टिंग है तो पहले स्टार्ट में प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आराम से हो जाएगा। सो स्टार्टिंग है। ओके, सो अब हमारा आता है हमारे लेग एक्सटेंशन। लाइक ये मशीन है जिसे हम लेग एक्सटेंशन बोलते हैं, ये हमारे क्वाड्स मसल्स के लिए होता है। तो अगेन सपोर्टेड मूवमेंट करेंगे और ज़्यादा कुछ वेट्स वेट्स नहीं लेना है आपको स्क्वाट या लंजेस में। ओके, तो लाइक हम लेग एक्सटेंशन करेंगे तो लेग एक्सटेंशन में मेक श्योर कि आपका जो ये पोजीशन है आपके टो यहाँ पर आना चाहिए। ओके, एंड आप अच्छे तरह से प्लेस कर, आपका जो टो है नीचे की तरफ नहीं, ऐसे नहीं रखना है। ओके, ऐसे आप ऊपर रखेंगे एंड सीट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना कि आपका नी यहाँ पे सपोर्टेड रहे पूरा अच्छे से हिप्स के हुए, और आपका जो पीछे का ये पार्ट है वो बैक को अच्छी तरीके से सपोर्टेड रखता रहे। ओके, कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ये वेट है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे स्टार्टिंग है तो हम लाइट वेट से करेंगे। ओके, तो लाइट वेट ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ ईगो या फिर हाई लिफ्टिंग पे नहीं जाएंगे। सो लाइट वेट रखते हैं, यहाँ पे होल्ड रखना है एंड बॉडी को सपोर्टेड, लेग सामने की तरफ एंड बस नी को एक्सटेंड कर लो लाइक दिस। ओके, सो एक्सटेंड करना है यहाँ तक जहाँ तक सॉफ्ट नी रहता है। ओके, पूरा ऐसे लॉक नहीं करेंगे। ओके, सो लॉक करने से क्या होगा, पूरा जो वेट का है जो वेट है वो पूरा नी जॉइंट पे ट्रांसफर होता है, तो वो नहीं हम मसल स्ट्रेन कर रहे हैं। ओके, स्लोली गो डाउन, डाउन भी आपको 90 डिग्री तक ही जाना है, पूरा ऐसे ड्रॉप तक नहीं जाना है। ओके, सो यहाँ तक ही जाइए एंड ब्रीथ आउट नी सॉफ्ट तक। ओके, अगेन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मेक श्योर कि आप चेस्ट आउट रखें, ऐसे नहीं रखना। ओके, सीधा रहिए एंड आराम से ऐसे लिफ्ट करिए। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मेक श्योर कि आप लाइट वेट से ही स्टार्ट करें। ओके, सो एटलीस्ट टू सेट्स करिए 15 रैप्स के। ओके, सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएशन। तीन वेरिएशन डन किया, स्क्वाट लंजेस एंड लेग एक्सटेंशन। अब हम लोग करने वाले लेग प्रेस, ये मशीन को लेग प्रेस बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, सारे जिम में अलग अलग हो सकते हैं, तो मेरे यहाँ पे काफ़ी लाइट वाली है तो करिए, आपके इधर अगर लेग प्रेस हैवी है तो अवॉइड करेंगे। ओके, लेकिन आराम से जाता है लेग प्रेस क्योंकि सपोर्टेड मूवमेंट है, तो ये जाएगा। ओके, मेक श्योर कि सेम इसका स्टैंड भी स्क्वाट का, सिंपल सी बात है, इसका स्टैंड जो है स्क्वाट के स्टैंड के जैसा ही रख लेंगे। ओके, शोल्डर स्टैंड एंड एक चीज के बाद ध्यान रखेंगे कि जो इसका डिस्टेंस है दोनों ही साइड से इक्वली होना चाहिए। ओके, एंड ग्लूट्स आपका सपोर्टेड रखिए एंड बैक
भी सपोर्टेड रहेगा एंड नेक ऐसा अप नहीं रखना है ओके, नेक भी सपोर्टेड रहेगा। अदरवाइज ऐसा ऊपर रखेंगे तो मूवमेंट के टाइम में आपको नेक में पेन आने के चांसेस होते हैं, तो नेक सपोर्टेड रखना है। एंड जैसे ऐसा सिंपली लिफ्ट करिए, इसका ये लॉक होता है दोनों सी साइड, उसे लिफ्ट करिए। हर जिम के लेग प्रेस की सेटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, तो एक बार किसी से एक बार पूछ लीजिए ओके। सो ये हो गई, इसके बाद यहाँ पे आपको होल्ड रखना है एंड सिंपली स्लोली आपको नीचे ओके ये ठीक है 90 डिग्री तक लेकर आना, ज़्यादा नीचे तक भी नहीं लाना है, तो इतना ही आप लेना है दैट्स इट एंड एक्सटेंड करिए ओके। मेक श्योर कि आप जब एक्सटेंड कर रहे हो तो नी जो है वो ऐसे लॉक तक नहीं लेके जाना ओके, सॉफ्ट तक ही लेके जाएंगे ओके। स्लोली डाउन यहाँ पे होल्ड रखिए एंड प्रेस। तो जब आप नीचे आ रहे हो सो ब्रीथ इन करते हुए आना है एंड प्रेस करते हो ब्रीथ आउट ओके। मेक श्योर कि आप कोर को भी एक्टिव रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको मूवमेंट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसका भी हम लोग एटलीस्ट 15 रेप्स करेंगे दो सेट, और पहले तो विदाउट वेट ही करने का ट्राई करिए, धीरे धीरे वेट को ऐड करिए, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि लाइट वेट से ही करिए ओके। सो अब चलते हैं हमारे फोर्थ वेरिएशन पे। तो जैसे आपने देखा हम लोगों ने लेग प्रेस किया, अब हम लोग आते हैं हैमस्ट्रिंग पे, आगे के साइड का हो गए तो पीछे के साइड का, तो लाइक हैमस्ट्रिंग कर्ल पे आते हैं जो जिसके लिए भी मशीन है हमारे पास। सो हर जिम में आजकल हैमस्ट्रिंग कर्ल की तो मशीन होती है, ये सारे मशीन बेसिक मशीन है, हर जिम में आपको मिल ही जाएगी, बट मेरे यहाँ पे सीटेड लेग कर्ल है ओके। तो आपके जिम में माइट भी लाइंग लेग कर्ल हो सकता है, तो आप इसे अडोप्ट करिए। सो ऐसे ओके, मेक श्योर कि अगेन से यहाँ पे आना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, आराम से यहाँ पे टो के जॉइंट के यहाँ पे आना चाहिए ओके। तो स्ट्रेट रखते हैं तो ऐसा अप रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है, स्ट्रेट सिंपली। उसके बाद ये जो है इसे ऐसा लॉक कर देंगे ताकि जब मूवमेंट करो तो बॉडी आगे की तरफ ना जाए और नी ऊपर की तरफ ना आए, प्रॉपर हैंड स्विंग पे इफेक्ट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे सीटेड कर रखा हुआ है बिकॉज ये ज़्यादा बेटर है हैंड स्विंग के लिए ठीक है। तो स्ट्रेट रखते हैं एंड सिंपली फुल लेफ्ट कर्ल करिए इसको यहाँ तक, पूरा कॉन्ट्रैक्शन करिए हैंड स्विंग में, उसके बाद स्ट्रेच करते हैं। मेक श्योर कि अगेन सॉफ्ट तक ही करना है, नी जहाँ तक आपका सॉफ्ट रहता है यहाँ तक, इतना यहाँ लॉक तक नहीं होते हैं। अगेन पूरा कर्ल करिए एंड देन स्ट्रेच ओके। जब भी आप कर्ल कर रहे हो, स्ट्रेंथ लगा रहे हो, सो ब्रीथ आउट एंड अपोजिट साइड ब्रीथ इन। सिंपल सा फंडा है ब्रीदिंग का, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है ब्रीदिंग का ठीक है, पहले ये कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको ओके। सो ब्रीथ आउट इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेक श्योर कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं जैसे कि आप बोलता आ रहा हूँ कि आप जो वेट है लाइट ही रखिए, हैवी वेट नहीं जाएंगे, मसल मैच्योरिटी को पहले लेकर आएंगे, उसके बाद फॉर्म्स एंड टेक्निक्स पे भी ध्यान रखना है ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख ध्यान में रखते हुए वेट्स को इंक्रीज करिए। और फिलहाल मेरा सजेशन ये है कि ये जो मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट 3 वीक्स तो फॉलो करिएंगे ही करेंगे, उसके बाद 3 वीक्स से क्या, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बनाऊँगा मैं आपको ऑब्वियसली। तो आप मेक श्योर कि आप बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ तो मैं क्या बोलता ब्रीदिंग का, तो सबको बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि ब्रीदिंग कहाँ पे करे कहाँ पे ना करे। तो एक सिंपल सा फंड है कि आप जब भी स्ट्रेंथ लगा रहे हो किसी भी साइड, लाइक ओवर हेड हो गया, लैटरल, जहाँ पे आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो, आपको स्ट्रेंथ लगाने पड़े तो वहाँ पे ब्रीथ आउट करिए एंड अपोजिट साइड में ब्रीथ इन करिए ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएशन पे, लाइक कर ले तो हो गया, अब चलते हैं हमारे लाइक नेक्स्ट एंड लास्ट पे, शादी लंबी नहीं बनाएंगे। सो हम लोगों ने अभी हैमस्ट्रिंग कर्ल खत्म कर दिया, अब हमारा लास्ट एक फाइनल वेरिएशन जैसा मैंने कहा था, तो स्टैंडिंग काफ रेज करेंगे। सो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा थोड़ा ऐसे समझ रहे हो ना, थोड़ा बड़ा जगह लेंगे जहाँ से हम मूवमेंट कर सकते हैं करके। तो ये मशीन पे भी मैं आपको बता सकता हूँ, और हर जिम में ये मशीन स्टैंडिंग काफ रेज के तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप वो करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप नी का मूवमेंट करोगे ही करोगे। लाइक हमें मूवमेंट जो करना है वो ये ऐसा है, तो टू पे आपको आपका बैलेंस बनाना है, अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा तो आप यहाँ पे ऐसा कहीं भी चीज़ का जो सपोर्टेड कर सकते ले सकते हो, सपोर्ट आप ले सकते हो। सो आपको सिर्फ स्लोली डाउन, टू को डाउन एंड अप, पूरा आप आएंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे काफ का ओके। सो जब भी आप नीचे जा रहे हो ब्रीथ इन एंड ऊपर आते तो आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो ओके। तो जब भी स्ट्रेंथ लगा रहे हो सो ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन विद नोज, ब्रीथ आउट विद माउथ, ब्रीथ इन विद नोज, ब्रीथ आउट विद माउथ। सो आपने जैसे देखा मेरा एंगल ही खाली मूव हो रहा है ओके, एंकल ही मूव हो रहा है ऊपर और नीचे की तरफ। अगर आप ये मशीन्स पे करोगे तो सिंपली आप ये मूवमेंट ही करोगे
ओके सो ये करोगे ओके सो ये मूव नी करोगे तो पूरा वेट जो है वो पूरे नी पे ट्रांसफर होगा, तो आपको नी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए पहले स्टार्टिंग में ऐसे बॉडी वेट स्टैंडिंग काफ रेज करिए, उसके बाद स्लोली स्लोली आपको लग रहा है स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है काफ की, तो मशीन्स पे जाएंगे। सो डन विथ लोअर बॉडी का एक्सरसाइज, हमने लोअर बॉडी में स्क्वाट हुआ, लंजेस हुआ, लेग एक्सटेंशन हुआ, लेग प्रेस, लेग कर्ल एंड लास्ट में स्टैंडिंग काफ रेज किया। सो मेक श्योर कि आप इसे दो दो सेट करिए 15 रेपिटेशन, एंड ये जो शेड्यूल है इसे आप 3 वीक्स तक के लिए, शेड्यूल जो है पहला दिन हम कार्डियो, सेकेंड डे अपर बॉडी, जो आपने अगर मिस किया तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जाइए चेक करिए देखिए, एंड वापस थर्ड डे पे आप कार्डियो करिए, एंड फोर्थ डे पे ये हमारा लोअर बॉडी का एक्सरसाइज करेंगे। और मुझे पता है आपने बेल आइकन तो दबा के रख ही लिया हुआ है ये आगे के शेड्यूल्स के लिए, तो 3 वीक्स के बाद क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक करिए यार, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, खूब मोटिवेट मिलता रहे, लॉकडाउन में घर पे बैठ बैठ के बोर हो गए होंगे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।